रंगों में रंग खिलाने, दिलों को मिलाने। स्वागत कीजिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। सबसे यहाँ का जो लोकप्रिय गाना जो होली का जब हम सब खेलते हैं तो हाँ, हम रंग बरसे जरूर गाते हैं, लेकिन साथ में शोले जरूर याद आता है हम सब। गब्बर सिंह का डायलॉग होली कब है, और साथ ही वो गाना जिसमें बसंती झूम कर नाचती थी। वैसे आप पूछेंगे तो कभी सबसे ज्यादा कब होली खेला है, तो शूटिंग के वक्त हाँ। और स्पेशली शोले के वक्त हाँ। क्योंकि शूटिंग होती थी 3-4 दिन हाँ। तो होली तो नॉर्मली 1 दिन खेलते हैं हाँ। या 2 दिन खेलेंगे, यहाँ पे तो 4-5 दिन तक मेरा शूटिंग चलता रहा। रोज़ कलर डालो, जो रोज़ कलर को फिर निकालो रात को जाकर अगेन। सो आई रियली एंजॉयड प्लेइंग होली, स्पेशली व्हाइल शूटिंग। ऐसा तो नहीं कि धर्म जी भी ज़्यादा उस वक्त रंग डाला करते थे? हाँ, वो भी स्पेशली करते थे। बसंती के कैरेक्टर की कौन सी चीजों से आप आइडेंटिफाई करती हैं अभी भी? और अभी भी यही मुझ में है, मुंह फट इमीडिएट बात करना हाँ। जो मन में आया मैं कह देती हूँ। वो कभी कभी किसी किसी को गलत भी लगता है, अरे ऐसा कैसा बोल दिया, बट मेरे मन में जो आता है सच बता देती हूँ। जैसे बसंती, शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी मुंह फट ना, वो है। किरदार आपका बदला है, एक नेता अभिनेता से नेता हुई है तो वो चीज़ें याद रहती हैं और कितना दिमाग में रहती है, क्योंकि आपकी तो बेटी भी इसी इंडस्ट्री में गई। मैं कलाकार तो हुई हाँ। तो मैं हमेशा कलाकार रहूँगी हाँ। ये बिकॉज मैं कलाकार हूँ, इसकी वजह से मुझे ये जो राजनीति में आना या सांसद बनना, ये सब बिकॉज ऑफ दैट। सो अभी इतना लोग चाहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, जितने भी लोग, तो इट्स बिकॉज ऑफ द नेम व्हाट इट हैज गॉट, द बॉलीवुड का जो नाम है उसकी वजह से इतना रहता है सब।